तो यूपी में योगी सरकार की वापसी के साथ ही अवैध निर्माण पर प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर गरजने लगा है। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद भूमाफिया का काल शुरू हो चुका है। जिस बुलडोजर ने बीते 5 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया, उसी बुलडोजर का पीला पंजा एक बार फिर माफियाओं पर चलना शुरू हो गया। तस्वीरें अमरोहा जिले की हैं, जहां परवाड़ी तालाब पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बस फिर क्या था, अवैध रूप से किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से जमीन में मिला दिया गया। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद से अवैध कब्जा करने वालों के अंदर खलबली मची हुई है। जौनपुर में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का काल बनकर बुलडोजर पहुंचा। एसडीएम सदर के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर हंटर चला और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कब्जे से छुड़ाया गया। बीते 5 सालों में यूपी के अंदर बुलडोजर एक ऐसी मिसाल बना है जो अवैध कब्जा करने वालों के काल की तरह है। 5 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कब्जे से छुड़ाने वाला बुलडोजर यूपी में फिर गरजने लगा है और बुलडोजर के गरजने के साथ ही अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन का हंटर भी चलने लगा है। टीम न्यूज स्टेट। जालौन में नदी में नहाते वक्त एक शख्स हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक कानपुर का रहने वाला है और वो अपने दोस्तों के साथ जालौन आया था। यमुना नदी में वो लोग नहाने के लिए गए थे, तभी उनमें से एक शख्स पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई अब पुलिस ने शुरू कर दी है। ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग कालपी में कानपुर से आए हुए थे और वो जब नहाने लगे तो उनमें 5 व्यक्ति थे, जिसमें से एक डूब गया। बाद में उसकी डेड बॉडी रोहतक प्रोग्राम के माध्यम से निकाली गई है और बाकी जो विधिक कार्रवाई है उस पर की जाए। तो वहीं कानपुर से भी एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ के महाराजपुर थाना क्षेत्र में गंगा नहाने गए 3 लोग डूब गए। गोताखोरों की मदद से पुलिस डूबे लोगों की तलाश अब कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के नागपुर गांव के पास नया खेड़ा गांव के रहने वाले 6 लोग थे जो गंगा में नहा रहे थे। गंगा में नहाते समय 2 युवक और 1 किशोरी डूब गए। गंगा में डूब रहे 3 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जाल और नाव से लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की और डूबे लोगों की तलाशी जो है वो लगातार जारी अब है। कानपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर महाराजपुर थाना क्षेत्र में गंगा नहाने गए 3 लोग डूब गए। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने डूबे लोगों की तलाश जो है वो अब पुलिस लगातार कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद में एक दबंग युवक ने अपने ही पड़ोस के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। होली के जश्न के दौरान आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच मामूली सा विवाद हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवपुरी कॉलोनी का दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं अमरोहा में राशन डीलर के पति की दबंगाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें राशन लेने गए युवक ने राशन डीलर के पति पर मारपीट करने का और राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। वीडियो गंगेश्वरी ब्लॉक के सिमथला गांव का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राशन लेने गए युवक के साथ यहाँ पर मारपीट की गई और राशन भी नहीं दिया गया। गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा वीडियो जो है पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक राशन लेने के लिए पहुंचा था लेकिन ना तो राशन दिया गया, ये आरोप लगा है और साथ ही मारपीट भी युवक के साथ की गई।